अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, प्याज की कीमतों को लेकर सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों को नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कुछ राहत देने की तैयारी कर रही है। इस साल किसानों की समस्या को देखते हुए नाफेड अपनी खरीद बढ़ा सकती है। वही बता दें कि इस साल 4 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा सकती है। फिलहाल बता दें कि जिसमें से 52,000 टन की खरीद हो चुकी है। वहीं नाफेड किसानों को बाजार भाव से ज्यादा प्याज के दाम दे रहा है। हालांकि इस साल सरकार को 31.11 लाख टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की खरीद से कितने किसानों को फायदा होगा। वहीं बता दें नाफेड 90% प्याज महाराष्ट्र से खरीदता है। वहां इस समय प्याज 11 से 12 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इस साल यह 18 रुपए किलो तक जा सकता है। अगले 2 महीने में कीमतों में सुधार की उम्मीद है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले साल महाराष्ट्र में नाफेड ने किसानों को 23 रुपए किलो तक की कीमत दी थी। वहां के किसान इस साल भी इतनी ही कीमत की मांग कर रहे हैं। वहीं बता 2014-15 में नाफेड बफर स्टॉक के लिए किसानों से 2500 से 5000 मीट्रिक टन प्याज की खरीदता था, जबकि अब यह 2.5 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में हमारे पास प्याज को स्टोर करने की समान जो क्षमता है, लेकिन प्याज किसानों को लेकर सरकार की मंशा भी सही है, इसलिए हम खरीदारी बढ़ा रहे हैं। इन किसानों के प्रति महाराष्ट्र सरकार की भी बहुत जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को भी किसानों को राहत देने के लिए प्याज की सरकारी खरीद करनी चाहिए। वहीं नाफेड के निदेशक के इस बयान के साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र में कितना रेट चल रहा है, ये भी अभी इस पे नज़र बनी है। लेकिन दरअसल महाराष्ट्र की कई मंडियों में इन दिनों न्यूनतम कीमत 1 से 4 रुपए प्रति किलो चल रही है। कुछ मंडियों में 50 और 75 पैसे प्रति किलो की दर भी देखने को मिल रही है। वहीं नाफेड ने कहा है कि इस साल प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण ऐसा हो रहा है। किसानों का कहना है कि प्याज की उत्पादन लागत 15 से 18 रुपए किलो हो गई है। महाराष्ट्र कांडा उत्पादक संगठन के संस्थापक का कहना है कि नाफेड 2-3 मंडियों में ही किसानों से प्याज खरीद रहा है, बाकी खरीदारी सीधे की जा रही है। अगर वे अन्य मंडियों में भी प्याज खरीदते हैं तो वे व्यापारियों पर कीमत बढ़ाने का दबाव होगा। नाफेड को यह भी बताना चाहिए कि जब उसने पिछले साल 23 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदा था तो इस साल इतनी कम कीमत पर क्यों खरीदा जा रहा है। तो ये थी बात प्याज को लेकर कि महाराष्ट्र के किसानों को नाफेड कुछ राहत देने की तैयारी में है। नाफेड 4 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीद सकता है। किसानों की समस्या को देखते हुए नाफेड अपनी खरीद बढ़ा सकता है।